सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने अंदर मॉडिफिकेशन करी अपनी जो क्रिस्टा आती है, नोवा क्रिस्टा के अंदर हमने काफ़ी ज़बरदस्त वाली मॉडिफिकेशन करी है। तो इसके अंदर पूरी जो रियर की टेलेट्स आते हैं वो पूरी चेंज हुई है। फ्रंट की हेडलैम्प्स में गाइस पूरा काम हुआ है यहाँ पे, एंड इसके अंदर अभी भाई टेफ्लॉन कोटिंग भी करने वाले हैं। बाकी गाड़ी के अंदर जो ऑटो कंफर्म कंपनी के काफ़ी शानदार से सीट कवर्स लगे जो कि भाई टैन कलर के होने वाले हैं, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, एंड कैप्टन सीट का ऑप्शन मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर हमको भाई। बाकी एंड्रॉइड भी लगा है, एंड सारे जो भी एक्सेसरीज लगे वो आपको मैं बता देता हूँ। तो भाई पहले तो ये बता दूँ, अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज चाहिए, कोई भी पार्ट चाहिए किसी भी गाड़ी का, हर गाड़ी की एक्सेसरीज अवेलेबल है। तो आपको स्क्रीन पर नंबर मिल रहा होगा, आप उसको कॉन्टैक्ट करके जो है अपने पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैं अगर इसके इंटीरियर में लेके चलता हूँ, एंड वो इसका जो सीट कवर्स लगे उसके आपको उसके बारे में एक बार दिखा देता हूँ। उससे पहले आप देखोगे कि गाड़ी में अभी जो है एक लेयर और टेफ्लॉन कोटिंग का काम जो कंप्लीट हो चुका है। बाकी इसमें और भी लेयर से काम करते हैं जिसके अंदर जो है भाई अपनी जो पेंट है वो प्रोटेक्टेड रहता है। बाकी कार के अंदर जो शाइन है गाइस वो भी इसमें हो जाती है। अभी आपको अंदर से दिखा दो गाड़ी के अंदर क्या काम हुआ है। सबसे पहले जो है आपको इसकी सीट कवर से एक बार लुक दिखाना चाहता हूँ मैं, किस तरह से भाई गाड़ी के अंदर सीट कवर लगे। एंड भाई इसके अंदर हमने एंड्रॉइड प्लेयर भी लगाया हुआ है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी गाड़ी में सायरन वायरन रूल का वो भी लगाया है। बाकी आप देखोगे पूरे यहाँ पे लेदर है फैब्रिक के अंदर इसमें हमने सीट कवर लगाया है जो कि फुल अपने टैन कलर हमको इसमें जो है देखने को वो मिलने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे जो अपने ड्यूल बकेट फिटिंग के साथ जो है इनके सीट कवर्स को हमने इंस्टॉल करा है। बाकी काफ़ी बढ़िया है, अगर आपको ऐसी सीट कवर चाहिए अपनी कार के लिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। एंड अगर हम देखते हैं रियर से, तो भाई पहले आप देख सकते हो जो टेफ्लॉन कोटिंग अभी यहाँ पे काम दिख रहा है गाड़ी के अंदर, वो आपको भी अभी आगे मैं दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। बाकी यहाँ पे देख सकते हो भाई प्रॉपर तरीके से इधर भी पूरी अपने यहाँ पे कवर चढ़ा हुआ है, एंड पूरा अपना यहाँ पे एकदम लेदराइट में उसमें चढ़ा हुआ है। बाकी पीछे से आप देख सकते हो भाई किस तरह से भाई गाड़ी के अंदर काम हो रखा है। बाकी इसके अंदर हमने 70 मैट्स लगाए उसी कलर के, एंड आपको हर कलर का जो 70 मैट्स अवेलेबल हो जाएंगे वो आप देखना। बाकी इसके अंदर हमने डोर वाइजर्स लगाए हैं यहाँ पे क्रोम लाइनिंग के साथ फॉर नोवा क्रिस्टा, एंड ऐसी आपको आपकी कोई भी गाड़ी है वैसे ही आपको इसमें भी जो वो देखने को इसमें मिल जाते हैं, वो भी आप लगवा सकते हो। बाकी गाड़ी के अंदर हमने इसमें एंड्रॉइड प्लेयर लगाया है, तो भाई इस गाड़ी के अंदर इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम नहीं आता कंपनी से, लेकिन अभी एंड्रॉइड प्लेयर लगाता है उसका मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि किस तरह से अब हमको इसमें मिलने वाला है। बाकी ओनर का आपको रिव्यू भी जो है वो भी चेक करा दूंगा। सो गाइस अभी मैं कार के अंदर आ चुका हूँ, एंड भाई एंड्रॉइड प्लेयर दिखाने से पहले अपना ये एंड्रॉइड प्लेयर लगा एक बार वो देख लो। बाकी उसके बाद देखोगे हमने जो भाई गाड़ी के अंदर इधर भी अपना प्रोजेक्टर लगाया है, तो यहाँ पर देख रहे हो ऐसा क्रिस्टा आपको दिख रहा होगा भाई, लेकिन अभी इतने ज़्यादा विजिबल नहीं होगा क्योंकि भाई अभी दिन का है, अभी यहाँ पर लाइट हुई है। तो अगर आपको ऐसा किसी गाड़ी के लिए चाहिए वो भी अवेलेबल होगा। बाकी देख लो भाई अभी रात में इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है हमको। बाकी देख सकते हो तो भाई यहाँ पे निपॉन का 9 इंच का इसमें हमने एंड्रॉइड प्लेयर लगाया है, जिसकी एमआरपी की अगर हम बात करें तो भाई वो है अपनी 20,000। यहाँ पर इसकी एमआरपी देख सकते हो, लेकिन भाई अगर आप हमारे थ्रू तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एमआरपी देख सकते हो यहाँ पे अपना 20,990 है, लेकिन अगर आप भाई हमारे थ्रू मंगाते हो तो ये आपको भाई सिर्फ 13,000 का पड़ने वाला है, जिसके साथ हमको वारंटी मिल जाती है। साथ में इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एंड यहाँ पे हमने 5D गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है, जो इसकी जो गाइस ड्यूरेंस है एंड जो ड्यूरेबिलिटी है वो कार की जो प्लेयर है उसकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। अगर आप देखते हो उसके टच रिस्पॉन्स को तो वो देखते हो काफ़ी ज़्यादा इसमें हमको बेहतर है, इसमें टच रिस्पॉन्स मिल जाता है। बाकी यूट्यूब का ऑप्शन है आपके पास, वीडियो का ऑप्शन है, प्ले स्टोर है, सारे जो भी फीचर्स हमारे एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर आते हैं वो सारे फीचर्स हमको इस एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर मिल जाएंगे। सारे फीचर आपकी गाड़ी के अंदर हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। बाकी इक्वलाइजर है, ये सब हमारे फीचर इसमें मिल जाते हैं। एंड देखते हो अगर तो भाई एक बार आपको मैं ऑडियो सिस्टम इसका चेक कराता हूँ। बाकी गाड़ी के अंदर में फुली अपनी LED भी लगी है, एंड साथ में DD ऑडियो का भी भाई गाड़ी के अंदर काम हुआ हुआ है, तो DD ऑडियो की जो रेड लाइन सीरीज आते हैं भाई वो इसके अंदर हमने लगाई है। सो गाइस गाड़ी के अंदर जो यहाँ पे DD ऑडियो की इसमें हमने रेड लाइन सीरीज को इंस्टॉल करा है। बाकी इधर अपने जो है ट्विटर की प्लेसमेंट इस तरह हमारी होने वाली, बाकी कॉम्पोनेंट्स अपने इधर को लगे हैं। बाकी गाड़ी के जो पीछे का इधर भी हमने DD ऑडियो का ही काम करा है, यहाँ पे अपनी रेड लाइन सीरीज को लगाया है। सो अगर आपको वो DD ऑडियो की जो वो वाली सीरीज चाहिए, या फिर अगर आपको कोई और भी स्पीकर चाहता हो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वैसे आपको जो इसमें दिखने को मिल जाएगा। बाकी अभी मैं आपको इसके आउटपुट चेक कराता हूँ। बाकी गाड़ी के अंदर अभी इसके बाद आपको मैं इसके जो पीछे के टेल लाइट है वो दिखाऊंगा, एंड फ्रंट में हमने जो LED लगाई है आपको उसका मैं दिखाने वाला हूँ कौन सी लगी, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले वो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप जो इसको ऑडियो चेक कर लो गाइस एक बारी। गाइस गाड़ी के अंदर जो बहुत ही बढ़िया ऑडियो आउटपुट हमको जिसमें देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पीकर हमारे लगे हुए हैं।
बाकी अभी गाइस देख लो यहाँ पे ये वाला एंड्रॉइड लगा हुआ है अपना निपॉन का भाई, एंड टच रिस्पॉन्स इसका जो काफी बेहतरीन हमको इसमें जो देखने को मिल जाता है। अभी गाइस जो है मैं आपको इसकी जो हमारी आउटपुट आने वाली है जो अपने टेल लाइट्स की एक बार वो आपको मैं चेक कराता हूँ, एंड वो आप इसकी आपको मैं दिखा दे दूँ किस तरह से जो हमारी रियर की जो लाइट्स है वो लगने वाली है भाई देखने में। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इसकी लाइट्स कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलेगी, काफ़ी बढ़िया लग रही है अगर आप देखते हो। बाकी गाड़ी के अंदर भाई हमने रिफ्लेक्टर्स भी लगाए हैं, तो कुछ ऐसे जैसे रिफ्लेक्टर गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं। एक बार आपको जो है इंडिकेटर ऑन करके दिखाता हूँ, इंडिकेटर में जो हमको इफेक्ट मिलता है वो इसमें हमको कुछ डिफरेंट साइन काफ़ी बेहतरीन सा जो है देखने को वो मिल जाता है। तो भाई देख सकते हो जो हमारे इंडिकेटर की लुक आने वाली है वो किस तरह से इसमें हमको जो है देखने को मिलेगी, पूरे तरीके से अपने रिफ्लेक्टर्स वर्किंग में है। यहाँ पे आप देख लो भाई रिफ्लेक्टर्स हमारे कैसे से लगने वाले हैं, एंड जो भाई हमारी टेल लाइट्स है वो भी कितने बढ़िया तरीके मैट्रिक्स में पूरे चलने वाली है। तो बैक से हमारी ये लुक थी गाड़ी के अंदर, बाकी आपको फ्रंट से जो इसकी LED है वो आपको चेक कराता हूँ कि LED इसमें हमने कौन सी लगाई है वो आपको इसकी मैं दिखा देता हूँ एक बारी। तो फ्रंट में अभी आपको जो इसकी LED ऑन करके दिखा देता हूँ। बाकी भाई अगर आप देखोगे तो कुछ ये वाली हमने इसमें LED लगाई है, बाकी जो भाई LED हमारी इंस्टॉल हुई है वो आपको मैं बता दूँ कौन सी कंपनी की होने वाली है। अब ब्राइटनेस देख सकते हो कितनी बढ़िया आने वाली है भाई, देख सकते हो हैंड पर रिस्पॉन्स, एंड सामने देख लो भाई कितना बेहतरीन से इसमें रिस्पॉन्स आने वाला है। एंड भाई अपनी किसी भी गाड़ी में इंस्टॉल हो जाते हैं, यूनिवर्सल होने वाली है। अभी आपको मैं जो DT ऑडियो के जो कंपोनेंट्स लगाए साथ में लाइट है आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ, एंड प्राइसिंग आपको उसके बारे में बता देता हूँ मैं। बाकी भाई देख लो गाड़ी के अंदर जो यहाँ पे अपने DT ऑडियो के रेडलाइन सीरीज के कंपोनेंट्स लगे हैं, एंड फ्रंट एंड बैक दोनों में ये लगे हुए हैं। अगर आपको ये लगाना तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर जो है वो फ्लैश हो रहा होगा। बाकी ये देखते हो यहाँ पे बॉश की इसमें ये LED लगाई जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड बहुत ब्राइटनेस इसकी जो काफ़ी अच्छी है। एंड अगर आप ये चाहो तो किसी भी गाड़ी में लगा सकते हो, क्रिस्टा हो या फॉर्च्यूनर हो, स्विफ्ट हो, नैनो हो, किसी में भी भाई अपनी लग जाती है, ये भी किसी में भी लग जाएगा। ये तीनों आइटम जो यूनिवर्सल होने वाली है ये सिर्फ हमारी 9 inches की लगने वाली है, जिन गाड़ियों का फ्रेम 9 inches के हिसाब से होगा उसमें ये हमारा फिट हो जाएगा। बाकी इसकी अगर हम प्राइसिंग देखते हो भाई यहाँ पे 5500 इसके प्राइसिंग पड़ेगा, एंड अगर आपको भाई कुरियर करवाना है तो किसी भी स्टेट में कुरियर हो जाएगा उसका हम चार्जेस थोड़ा सा लेते हैं, कुरियर का जो होगा शिपिंग का वो चार्ज लगेगा, एंड थोड़ा सा चार्ज माइनस भी हो जाएगा जो कि अपना फिटिंग नहीं होने का होगा, तो वो आप देख लेना भाई। तो गाइस यही था हमारा आज की वीडियो में, मिलता है सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले भाई, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर टुडेज वीडियो गाइस।